नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम रिव्यू करेंगे सुनील ग्रोवर की नई वेब सीरीज की। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज इसलिए कह रहा हूँ कि इस वेब सीरीज के अंदर में आशीष विद्यार्थी, रणवीर सौरे जैसे मजबूत कलाकार होने के बावजूद भी ये सीरीज को अगर आज से 5 साल या 10 साल बाद भी लोग याद करेंगे तो वो याद करेंगे सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज बोल के, क्योंकि ये वेब सीरीज जो है, इस वेब सीरीज में सुनील ग्रोवर जो है वो बाकी सबको जो है आउटक्लास कर दिया है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सनफ्लावर जो Z5 में रिलीज हुई है उस वेब सीरीज। लाइट, कैमरा रोलिंग, एक्शन। आपने चार्ली चैपलिन का मूवी कभी देखा है? अगर चार्ली चैपलिन का मूवी आप देखते हो तो उसमें कॉमन फॉर्मेट जो है वो यूज होता था कि चार्ली चैपलिन जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं और उनका जो है मजाक उड़ाना चालू होता है, वो हर प्रॉब्लम में जो है फंस जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक इनोसेंस काम करता है और उस इनोसेंस को लोग अनदेखा करते हैं, बल्कि ये चीज देखते हैं कि कैसे वो मान लीजिए फिसल गया, कैसे वो गिर गया, कैसे वो प्रॉब्लम में अटक गया, और वो देख के लोगों को हंसी आता है। लेकिन एक्चुअली जो है, जो आंसू चार्ली चैपलिन के अंदर में टपकता है उसको कोई नहीं देख पाता है। सबसे मुश्किल जो एक्टिंग है वो है खुद पे हंसना। दोस्तों ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सुनील ग्रोवर ने वही काम की है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि उन्होंने चार्ली चैपलिन जैसा इतना बड़ा क्या बोल सकते, इतना सुपरस्टार उनके जैसे काम किया, ऐसा नहीं बोलूंगा, कोई कंपेरिजन में नहीं आता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, शायद ये उनका करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। दोस्तों सीरीज के बारे में तो बताएंगे ही, बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज है जो आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए, डेफिनेटली इस सीरीज को आपको देखना चाहिए। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के अंदर में बहुत सारी चीज है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजों को एक्सपोज की गई है आज के समाज में। मान लीजिए जो हाई राइजेस बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर में देखिएगा सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के नाम में कोई एक इंसान या दो इंसान या पांच इंसान जो है वो अपना मनमानी करते हैं, वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो समझते हैं वही सोसाइटी के लिए सही है। तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ें है जो हर दिन चलता रहता है, और कोई नया टेनेंट अगर आता है तो उसके लिए उसको मुकाबला करना मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को एक्सपोज की गई है। दोस्तों और एक चीज़ को एक्सपोज की गई है कि रियलिटी शो के अंदर में TRP के लिए बहुत सारा ऐसी घटनाएं दिखाया जाता है, बहुत सारा ऐसे चीज़ें दिखाया जाता है कि एक सिंगर जो आ रहा है उसका कितना प्रॉब्लम्स है, जज जो है सब उसके ऊपर रोना चालू करते हैं, लेकिन आखिर में जो सिंगर परफॉर्म करता है उसको ठीक से मतलब उनका परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट नहीं हो पाता है। तो ये चीज को एक्सपोज की गई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सपोज की गई है। दोस्तों और एक बहुत ही बढ़िया एंड पॉजिटिव पॉइंट इस वेब सीरीज के अंदर में है कि इस वेब सीरीज में बहुत सारा सार्कास्टिक डायलॉग्स है। आपको शायद वो सुनने में ह्यूमरस लगे, लेकिन डायलॉग जो है वो सार्कास्टिक है। वो कोई इंस्टीट्यूशन को या फिर कुछ चीज को एक बोल सकते हो कि उसको मतलब टिप्पणी जो है उसके ऊपर दी जा रही है। तो ऐसे डायलॉग से ये भरा हुआ है। और अगर और एक चीज में बात करेंगे वो है परफॉर्मेंस। देखिए सुनील ग्रोवर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा प्लॉट बताना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग है और उसमें किसी एक का जो है मर्डर हो गया है। अब वो मर्डर जो है वो पहली सीन में आपको दिखाया जा रहा है कि किसने मर्डर की है। अब पूरा जो वेब सीरीज है, पूरा जो 8 एपिसोड का सीरीज है, उसके अंदर में यही प्रूव करना है कि एक्चुअली उसने मर्डर की है और पुलिस वही तहकीकात में जो है वो लगा हुआ है। और ये डार्क थ्रिलर कॉमेडी जो है, ये जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट रखा गया है इसमें, कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका मर्डरर आप जानते हो कौन है, लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे, मोटिव कैसे आप ढूंढ पाओगे, तथा मतलब हु डिड इट नहीं है, वाई डिड इट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके अंदर में। तो वही चीज़ में जो कैरेक्टर्स उसमें आता है, जो पहली कैरेक्टर जो मैं बताऊंगा कि सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर जो एक बोल सकते हो प्राइम सस्पेक्ट है, तो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। उनका मतलब बात करना, चलना, सब कुछ आपको पसंद आएगा इस वेब सीरीज के अंदर में। और एक चीज बताएंगे, मुकुल चड्ढा बोल के जो और एक कैरेक्टर है जो उसी हाई राइज बिल्डिंग में रहता है, वो कैरेक्टर भी उन्होंने जो एक्टिंग की है वो भी काबिले तारीफ है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग उन्होंने की है। साथ ही में रणवीर सौरी बता लीजिए, या फिर आपका मान लीजिए गिरीश कुलकर्णी बोली, या फिर आशीष विद्यार्थी बोली, सब ने अपना काम जो है एकदम बढ़िया तरीके से जो की है।
तो इस कारण से ये वेब सीरीज जो है ये काफी अच्छा बना है दोस्तों। इसमें जो मतलब आपको सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा, इसमें और एक चीज बताएंगे कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको पहली सीन में, जब मान लीजिए पहला 5 मिनट के अंदर में आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये सीरीज होने वाला क्या है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप इसका जो एपिसोड है उसको स्किप नहीं कर पाओगे, आप इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे कि अभी दो देखते हैं बाद में 6 सीरीज जो है 6 एपिसोड्स है उसको देखा जाएगा, ऐसा नहीं कर पाओगे। आप एक साथ देखना चालू करोगे और आपका मान लीजिए 40-45 मिनट का एवरेज आपका व्यू टाइम है तो आप एकदम ख़त्म करके ही तभी उठ पाओगे, मैं ये दावा कर सकता हूँ आपको, क्योंकि इतना बढ़िया ये जो वेब सीरीज है वो बनाए दोस्तों। छोटी मोटी कमियां जो है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो हर सीरीज में भी होता है, इस सीरीज़ के अंदर में भी है। एक्चुअली इस वेब सीरीज के अंदर में जो है कि आपका कुछ कुछ कहानियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब 8 एपिसोड का सीरीज है तो उसमें बहुत सारा ऐसा मान लीजिए सब प्लॉट्स भी क्रिएट किए गए, तो वो सब प्लॉट्स को जो है वो आखिर में ख़त्म नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये ऊपर से देखने को लगता है कि अरे कहानी खत्म हो जा रही है लेकिन अल्टीमेटली सब प्लॉट्स का क्या होगा, मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आप बोल सकते हो सीजन 1 जो है वो सीजन 1 सिर्फ आपका प्रीफेज है, मतलब ये सिर्फ आप जो है किताब का पहला पन्ना या 1-2 पन्ना जो है आपने पढ़ा है। इसमें बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से ये G5 का ऐसा एक फ्रेंचाइज बन सकता है जो आखिर में जाके G5 को बहुत पॉपुलर बना सकता है। इसमें आपका मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2-3 सीजन तो एकदम बनना ही बनना है, क्योंकि कहानी का सिर्फ अभी जो है वो मुखौटा जो है वो ओपन हुआ है, तो ये बहुत देर तक चलेगा। तो दोस्तों यही है मेरा इस पर्टिकुलर वेब सीरीज का असेसमेंट। अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।